कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं उस समय हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर में, और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ताज बावड़ी दोस्तों, जो बहुत ही प्राचीन है। और इसकी भी हिस्ट्री दोस्तों हमेशा की तरह, हर बार की तरह रमेश चौहान जी हमें बताने वाले हैं। अभी हम आ गए बीजापुर की मशहूर बावड़ी, ताज बावड़ी। बीजापुर 6 नंबर किंग इब्राहिम अली आदिल शाह, ओके, उनके मिस्री का नाम था मुमताज बेगम, उनके नाम पर बिल्डिंग बन गई, बावड़ी बन गई 1620 को, okay. समय ताज बावड़ी, ओके, okay. सामने जो गेट दिख रहा है 35 फीट, ओके, जो बावड़ी पूरा 224 फीट, ओके, इसकी लंबाई 54 मीटर, ओके, गहराई 54 मीटर, डीप है 52 फीट, ओके, दैट टाइम बीजापुर सिटी वाटर सप्लाई, ओके, इधर उधर पहले उनके हॉर्स स्टेबल थे, ओके, किला है, किले के बाहर के लोग आते थे, अपने हॉर्स बनते थे, रात को हॉल्टिंग करते थे, मुकाम जब जो पानी नहीं था ना, जब पानी हुआ भी मुकाम करना पड़ता था ना, यहाँ पे आके मुकाम करे, पानी भी ये करा तो हॉल्ट करे, सुबह अपने अपने मुल्क को निकल जाते। दोस्तों दरवाज़ा कुछ ऐसा है इसका, बहुत ही चौड़ा है, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो देखिए दरवाज़ा अभी के समय में लगाया गया है, ऐसा बहुत चौड़ी दीवारें थी दोस्तों, जैसे अंदर आएंगे दोस्तों तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ से देखिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी दोस्तों, ये देखिए 52 स्टेप्स हैं अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, सेम इस तरह से और सेम वहाँ से भी दोस्तों, ऐसी है दोस्तों ये बावड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये मुसाफिर खाना हुआ करता था उस समय दोस्तों, यहाँ पर मुसाफिर ठहरा करते थे, पानी का इस्तेमाल किया करते थे, फिर यहाँ से आगे बढ़ा करते थे। और पानी देखिए ग्रीन है दोस्तों, कुछ दीवारें ऊपर टूट चुकी है जिन्हें रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर लेबर भी बैठी है देखिए दोस्तों, उसी समय की दोस्तों ये बावड़ी है, और काफ़ी बड़ी है, काफ़ी गहरी है, 52 फीट गहरी है दोस्तों ये, 52। महापति बने कमाल है दोस्तों, ये देखिए दरवाज़ा भी कितना बड़ा बनाया गया इसका, बहुत चौड़ी दीवारें हैं दोस्तों, ये देखिए बाहर मीनारे भी हैं, ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बावड़ी मुझे ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों आपको पता ही है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।